हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीना किचन रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी और प्याज की बहुत ही सिंपल सब्ज़ी। और प्याज और भिंडी का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा होता है और बनाएंगे बहुत ही फटाफट से, एक मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी ली जिनको इन पीसेज में काटा है, और यहाँ पर लिए ग्रीन चिली 4 से 5, और ये प्याज ली किस गोल कटिंग में कर लिया है, 4 प्याज लिए। यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल ऐड किया है 1 से 2 चम्मच, और इसमें सीधा प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को थोड़ा सा सोटे करेंगे जब तक कि थोड़ा सा कच्चापन इनका दूर ना हो जाए। इस साइज में आप प्याज की कटिंग करके बनाइए, भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो चुका है, तो इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची को तेल में सोटे करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए फ्राई करने के बाद में इसमें सीधा भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी को भी ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इस तरह से चला लेंगे। कम से कम भी तेल में इसे 30 सेकंड तक हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ ही सीधा अब हम इसमें हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच ऐड करेंगे, रेड चिली 1/2 चम्मच ऐड करेंगे, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, और मसाला मिला लेंगे कुछ इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर ये भिंडी की सब्ज़ी को पकाने के लिए अब गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और कवर करके रखेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए जब फटाफट से बनने वाली ये भिंडी और प्याज की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो भिंडी गल चुकी है, यहाँ पे गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। बाय बाय।